क्या दिखे वो? नहीं, वो जरूर अगस्त्या के यहाँ होंगे। हमारे जंगल प्रकृति के वातावरण के लिए बहुत जरूरी हैं और पृथ्वी ब्रह्मांड के कई ग्रहों में से एक है। हमारा ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है और ये अपनी धुरी पर भी घूमता है। एक साल लगता है पृथ्वी को, एक साल लगता है सूरज के चारों ओर घूमने में, और पृथ्वी को अपनी धुरी पे घूमने में एक दिन लगता है। पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है और इसमें अनेक ग्रह हैं। ये हैं वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, और ब्रह्मांड में चांद और सितारे भी होते हैं। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है जिसमें तारे, उल्कापिंड और बहुत सारी गैसेस शामिल हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये कम से कम 1,00,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में हैं। ये तो बस हमारा सौर मंडल है। ब्रह्मांड में और भी सौर मंडल हैं जिसमें अनगिनत सितारे शामिल हैं। बहुत बढ़िया अगस्त्या। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो? हमें तो लगा कि वो यहाँ पर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो यही थे। हाँ, हम तो यहाँ उन्हें अभ्यास के लिए ले जाने आए थे। आज सिखाने की हमारी बारी है। हैं? क्या? बेशक है, और तुम्हें पता भी है। नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अगस्त्या। हम उन्हें जंगल में रहने के तरीके सिखाएंगे। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके दिमाग को भी थोड़ा ज्ञान मिलना चाहिए? ओ हाँ जरूर, पर उन्हें ताकत की भी जरूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, दिमाग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये आज इतना भावुक क्यों हो रहा है? चलो अपने चेलों को ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं। हाँ। देखो देखो मुझे। कैसे हो तुम सब? मुझे उम्मीद है तुमने बहुत मजे कर लिए हैं, क्योंकि अब तुम लोग व्यस्त होने वाले हो, वो भी हमारे साथ। सही कहा। किस लिए? हाँ किस लिए? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पसंद आएगा, सच में। आज मैं और बलू तुम्हें साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एक दूसरे की बात मानने से कैसे काम आसान हो जाता है। बात मानना नियम हमने मानेंगे। मुझे पता है कि ये सुनने में अच्छा नहीं है, पर तुम्हें ये काम करना आना चाहिए। खास तौर पर अगर तुम्हें किसी दिन राज करना है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लोगों से एक साथ कैसे काम करवाना है ना? ठीक है, हम तैयार हैं। चलो चले। हाँ, चलो। भूलना मत कि तुम्हें मेरी और बल्लू की बात सुननी है। हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे। सावधान। ठीक है मेरे सैनिकों, मेरे पीछे पीछे आओ। आओ सब। चलो। चलो। दाहिने मुड़। मैंने कहा दाहिने मुड़। बाएं मुड़ेगा, मुड़। अच्छे, बहुत अच्छे, यही सही तरीका है। दाएं मुड़ेगा, मुड़। आगे बढ़, चलते रहो। बाएं, 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 बाएं। सबके पास तुम्हारे जैसे लंबे पैर नहीं होते। माफ करना मोटू, अब हम धीरे चलेंगे। अब तक बहुत अच्छा किया, क्यों बघीरा? मोटू भी सीख गया।
क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं? ठीक है फिर मैं आदेश देता हूँ। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, अब 5 मील दौड़ो। हाँ? चलो सबको एक साथ रहना है, समझ गए? चलो मोटू आ जाओ। बस हो गया, आ जाओ जल्दी करो। नहीं सिम्बा, ऊपर चढ़ो। तुम ठीक हो? सामने खड़े हो, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, पर तुम सबको अपनी सहनशीलता पर काम करना होगा। वो किस लिए? ये किसने कहा? मैंने कहा। तुम मेरी बात पर सवाल उठा रहे हो, तुम्हें शायद भाग नहीं लेना है। क्यों, क्या ऐसा है सिम्बा? नहीं, मुझे तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं करेगा और कोई दिन में सपने नहीं देखेगा। अब सब अच्छे से ध्यान दो। तुम सबको ये जानना चाहिए कि बिना आवाज किए कैसे चलते हैं। दरअसल ये बहुत ही आसान है, तुम लोग करो अब। नहीं बकशॉट, अपना सर नीचे रखो जमीन के करीब, ऐसे ही। अब बेलों से झूलो, पानी में कूदो और तैर कर दूसरी तरफ जाओ। तुम दोनों पानी में जाओ और मेरा हुक्म मानो, नहीं तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। इतनी तेजी, कितना तेज भागे। अब तुम लोगों को गड्ढे के जाल बनाने हैं, चलो खोदना शुरू करो। ये जगह बिल्कुल सही है। अरे तुम दोनों वक्त बर्बाद मत करो। जरूर। वैसे भी इस गड्ढे में हमें क्या पकड़ना है? मुझे नहीं पता, बस खोदते रहो। हाँ।
काम हो गया। हमने खोदने का काम कर लिया है, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? नहीं, मुझे माफ करना, ये गड्ढा उतना गहरा नहीं है। नहीं है? ये तो समुद्री लुटेरे होने से भी बुरा है। रुक नहीं सकते जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे पता था अनुशासन परीक्षण काम आएगा। हाँ जरूर। क्या अब ये गहरा है? तुमने आखिरकार कर ही दिया। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या है, मैंने रुकने के लिए नहीं कहा। हम थक चुके हैं, खत्म नहीं हुआ। हमें खाने का मिलेगा। जैसे ही तुम अपनी दूसरी परीक्षा में सफल होगे और खुद के लिए खाना यानी मछली पकड़ना सीख लोगे तब देखो उस तरफ। एक पकड़ ली। तुम लोगों ने देखा मैंने कैसे किया। ठीक है फिर तुम सब कोशिश करो। बचाओ, ये तो वही खतरनाक मछली है। बचाओ, क्या चली गई वो? लगता है उसे भी भूख लगी है। तुम सबने बहुत अच्छा भेष बदला है। तुम सब आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो। तुम सब एक खास काम पर जा रहे हो और इसमें तुम्हें वो सब कुछ इस्तेमाल करना है जो मैंने और बघीरा ने सिखाया है। ये बहुत मुश्किल है और मैं जानना चाहता हूँ तुम तैयार हो कि नहीं। हाँ हम तैयार हैं। तैयार है। मैं तो ही तैयार हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनो। वो बंदर एलेक्स को बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं। तुम्हारा काम है कि उनके ठिकानों में घुसकर उन्हें सबक सिखाओ। हम समझ गए। शुभकामनाएं। हम इंतजार करेंगे। दाएं मुड़, आगे बढ़। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये कर पाएं। मुझे भी यकीन है। क्या हुआ, वो मेरा है। तुमने हद कर दी है। क्या तुम अरे कहाँ गया? किधर गया? ढूंढो, इधर ही होना चाहिए। तुमने देखा? तुम्हें देखा? कहाँ है? यही कहीं होना चाहिए। अरे देखो, इसे क्या हो गया? ये नहीं हो सकता। क्या ये तुमने खाया? नहीं, क्या तुमने? नहीं। क्या तुमने देखा?
घूर रहे हैं। हे आ गया। चल रहा है यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर, वो कभी कभी ऐसे ही उछलते रहते हैं, बचते रहे ना। पर मुझे पसंद नहीं। नहीं दिख रहा क्या? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो उसका अंजाम तुम जानते हो। हुजूर, हुजूर, मालिक, हम पर उन नुकीले दांत वाली झाड़ियों ने हमला किया है। झाड़ियाँ? हाँ मालिक, वो बहुत बड़े थे, उनकी बड़ी आंखें थी और उनके पास जादुई ताकत भी है। कहाँ पर है वो? बहुत दूर पीछे। आइए हमारे साथ। चलो बचाओ हमें। उन्हें घेर लिया है, पकड़ो उन्हें। जाएंगी झाड़ियाँ, पकड़ लेंगे आज इन्हें। वो देखो बिली। आओ चलो। देखो इधर ही कहीं होंगे, देखो देखो। इससे पहले कि वो हमें ढूंढे हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उधर देखो वो जा रहे हैं। क्यों हो कूदे क्यों नहीं पानी में? मैंने कहा कूदो, कूदो। Thank you.
सिखाया, हमने उस बूढ़े शेर खान को भी फंसा दिया। तुमने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया मोटू। वैसे लायक था। अरे कितना मजा आया ना दोस्त। सही कहा, बल्लू और बगीरा को हम पे गर्व होगा, उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमने ये सब किया है। पहले तो मुझे लगा कि वो हमसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, पर अब समझ में आया कि वो हमारे फायदे के लिए था। इतनी कसरत के बाद मुझे भूख लगी है। तुम्हें क्या लगता है कि अब हमारे लिए कुछ खाने को मिलेगा? कैसे हो सकते हो फोटो, तुमने कम से कम वो सेब तो खाया था। अच्छा चलो वापस बलू और बगीरा के पास चले, वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। शायद वो हमें इनाम में कुछ खाने को दें। आगे बढ़। हमारे दोस्तों ने आज साथ मिलकर चलने के लिए बहुत मेहनत की और आज उन्होंने सिर्फ तेज भागना नहीं सीखा बल्कि तेजी से सोचना भी सीखा। अगस्त्या ने बिल्कुल सही कहा था, हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा हमारा दिमाग है।